हेलो पिला माने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केम विजुअल। पिला माने सीपीईटी एग्जाम को नहीं कि हम एक जबरदस्त रैंक बूस्टर सीरीज स्टार्ट करते आठ ऑर्गेनिक रो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट सब गुटा डिस्कस करते तुम मर डिमांड थी कि सर नेम रिएक्शन उपरे गोटे वीडियो बनातु आउ पिला माने ट्राई करी वीडियो रे कंप्लीटली जितकी नेम रिएक्शन रु रिपीटेडली क्वेश्चन पचारूँ से नेम रिएक्शन गुड़ाक डिस्कस करी आउ टोटल एमती पिला माने 30 नेम रिएक्शन नियाई आउ से 30 नेम रिएक्शन को हम डिटेल्स रे देखिबा केमती ना शॉर्टली देखिबा पिला माने जेमती कि तुम रखी तुमने गोटे गोटे रिएक्शन पढ़ा जो डिटेल्स तार मेकानिजम सहित तो बहुत टाइम लगे बट आमको एग्जाम रेस्पेक्ट रे कौन करवाक पड़ो कि इंपोर्टेंट पॉइंट को मन रखा पड़ो एग्जाम जमीक गोटे नेम रिएक्शन जो पढ़ु ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कौन रिएक्टेंट कौन रिएजेंट कौन और प्रोडक्ट कौन बाहर एति पॉइंट जब मन रखु तो पाने तुमको इजिली एग्जाम तुमने भल मार्क स्कोर करता पाने सब पॉइंट गुड़ाक तुमको कौन कहे ना जिते भी नेम रिएक्शन पढ़ा सर्टली जब मन रखुता सहित बार बार रिविजन करम रिएक्शन सब मन रही पाने 30 नेम रिएक्शन वीडियो तुमको बहुत इंपोर्टेंट हाँ जाऊँगी वीडियो को स्टार्टिंग नहीं एंड जाए देखु था जो भी पाने चैनल नुआ छो चैनल को सब्सक्राइब करके रख तो पाने देखी पाओ टोटल मैंने 30 नेम रिएक्शन नहींचु टोटल आई 30 नेम रिएक्शन को गोटे पर गोटे डिस्कस करी एमती पाने टोटल 30 नेम रिएक्शन अच्छे ये देखी पार तुमने तो सब फर्स्ट नेम रिएक्शन जो अच्छे फर्स्ट नेम रिएक्शन सामने कौन अच्छी देखी पार स्वर्ज रिएक्शन देन फिंकल स्टेन रिएक्शन एमती रिएक्शन अच्छी पाने सब फर्स्ट रिएक्शन को हमें डिस्कस करने जाऊँ ता पूर्व किसी इंपोर्टेंट इनफर्मेशन देवी जमीक पाने सीपीईटी एग्जाम को लेकिन गोटे फुल पैकेज बाहर करूँ जो चैप्टर व्वज प्रिसाइज नोट क्वेश्चन बैंक डेली क्विज सहित मॉक टेस्ट सहित डेली क्विज वीडियो सॉल्यूशन तुमको मिलूँ आई तुमको 350 रुपीज मिलू जदि कौ भी पाने सीपीईटी एग्जाम सीरीयसली प्रिपेयर होगा चाहो कंटाक्ट नंबर दिखाई कंटाक्ट नंबर तुमने कंटाक्ट कर तुमने से पेड ग्रुप जॉइन कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब फर्स्ट नेम रिएक्शन आने जो तुमने देखी पार जो पाने स्वर्ज रिएक्शन मान सामने अच्छी स्वर्ज रिएक्शन पाने सिंपली कौन हुए रखी फर्स्ट ना गोटे अल्काइल हालाइड था हालाइड टा कौन पाने मे भी क्लोरीन पारे मे भी ब्रोमीन नहीं पारे पाने कौन कनवर्ट कर अल्काइल फ्लोराइड रे कनवर्ट करवा कौन कनवर्ट करवा अल्काइल फ्लोराइड रे कनवर्ट करवा एगेन कौन पाने कौन ना गोटे आर एक्स अच्छी आर एक्स को कौन कनवर्ट करवा आर एफ रे कनवर्ट करवा जो एक्सट्रा पाने क्लोरीन कि ब्रोमीन थी यहाँ कौन पाने किसी फ्लोरीनेटिंग एजेंट दबा जमी SbF3 HF दे पार कि AgF दे पार एमती पाने तुमको कही रखुच HG2F2 सहित पाने तुमने SbF3 दे पार सहित पाने तुमको कही रखी COF3 दे पार यही सब रिएजेंट देखिए पाने तुमने कौन करना पाखे गोटे अल्काइल हलाइड अच्छी अल्काइल फ्लोराइड रे कन्वर्ट कर फर्स्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन जोटा कि स्वर्ज रिएक्शन आने टॉपिक वाइज ट्राई करी कंप्लीट करने जमीक तुमको अल्काइल हलाइड आरइल हलाइड सेकेंड पे अल्कोहल फिनोल इथर नेक्स्ट पे तुमको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन सिक्वेंशियली चैप्टर वाइज तुमको कंप्लीट करने को ट्राई करी से पाने वीडियो को स्टार्टिंग नहीं एंड जाए देखता सेकंड सेकंड रिएक्शन पे तुमने देखी पार कौन चाहिए फिंकलस्टेन रिएक्शन स्वर्ज रिएक्शन भाई अच्छी स्वर्ज रिएक्शन कौन करता गोटे अल्काइल हलाइड को अल्काइल फ्लोराइड रे कन्वर्ट करता ये कौन कर गोटे अल्काइल हलाइड को अल्काइल आयोडाइड रे कन्वर्ट कर तुमने देखी पार पे अल्काइल हैलाइड गुटे अच्छी जोटी क्लोरीन किंबा ब्रोमीन थी हैलोजन या कहा सहित रिएक्शन करवा सोडियम आयोडाइड सहित इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एटी पिलामने तुमको कही पारि तुमने एसीटोन सहित रिएक्शन करिपारिबो किंबा पिलामने डीएमएसओ सहित रिएक्शन करिपारिबो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जहाँ कहा जाए तुमको सामने अल्काइल आयोडाइड गोटे प्रोडक्ट मिले सहित सोडियम एक्स प्रोडक्ट मिले पिलामने दैट मीन्स ये अल्काइल फ्लोराइड रे कन्वर्ट कले अल्काइल आयोडाइड रे कन्वर्ट कले नेक्स्ट आउ पिलामने बहुत इंपोर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड रे तुमने पढ़ो जोटा कि बोरोडिन हुनस्टिगर रिएक्शन बोरोडिन हुनस्टिगर रिएक्शन पे पाने कौन हुए ना गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रु आम कौन प्रिपेयर करू गोटे अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करू कौन प्रिपेयर करू अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करू बहुत इंपोर्टेंट पे तुमको कही रखी कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती RC OH ये रिएक्शन करे कहा सहित पे ब्रोमीन सहित रिएक्शन कले फ्री रेडिकल मेकानिजम पे रिएक्शन हुए इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल मीडियम CCl4 पे प्रोडक्ट कौन कौन बाहर फर्स्ट प्रोडक्ट बाहर RBr सेकंड प्रोडक्ट पे बाहर बहुत तुमको AgBr
थर्ड प्रोडक्ट पे बाहर कार्बन डाइऑक्साइड एति की प्रोडक्ट मिले तुम मैंने बहुत इंपोर्टेंट कौन कौन पे गोटे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो कार्बन डाइऑक्साइड टा जो रिलीज हो पे तुमको डीकार्बोक्सिलेशन बोली कहीपर दैट मीन रिएक्शन पे गोटे कार्बन नंबर डिक्रीज हो देखी पार्च ये गोटे कार्बन एटम डिक्रीज हो दैट मीन डिसेंडिंग ऑर्डर रा कन्वर्जन रे तुमको हेल्प करिवो कार्बन नंबर जो डिक्रीज करिवार छि कार्बोक्सिलिक एसिड बने दियो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बने दियो तापर तुमने कोन करो बोरोडिन हुनस्टिगर रिएक्शन कर दियो ए रिएक्शन ना करिवा द्वारा कोन हो तुमको कार्बन नंबर डिक्रीज कर जिवो पिला माने तीनटा रिएक्शन हे गला स्वार्ज रिएक्शन अल्काइल हैलाइड टू अल्काइल फ्लोराइड सेकंड पिला माने हम देखिले फिंकलसन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड टू अल्काइल आयोडाइड तापर देखिले पिला माने बोरोडिन हुनस्टिगर रिएक्शन जोडा के कोन करतला सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर छि पिला माने हमन को अल्काइल ब्रोमाइड रे ता सहित पिला माने एटी सिल्वर ब्रोमाइड जो मिलु छि तार प्रेसिपिटेट मध्ये मिलि जिवो नेक्स्ट पिला माने हमन को सामने रहछ ऊर्ज रिएक्शन अगेन पिला माने एटा बहुत इंपोर्टेंट कोन पई कोई रखबे एटा गुटे अल्काइल हैलाइड को अल्केन रे कन्वर्ट करिवार मेथड काकुन अल्काइल हैलाइड को अल्केन रे कन्वर्ट करिवार मेथड ता सहित पिला माने इंपोर्टेंट कोन एही रिएक्शन हमरो सिमेट्रिकल अल्केन फॉर्मेशन होए आ जो रिएक्शन ता तुमन को रिएक्टेंट अछि कोन अल्काइल हैलाइड ता तारो सेल्फ कपलिंग हे जे सेल्फ कपलिंग हे के कोन करे गुटे सिमेट्रिकल अल्केन से फॉर्मेशन करे आ जनरल रिएक्शन रो गुटे एग्जांपल दे दो छि 2 मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड जेतबा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर सहित रिएक्शन कला तुमन को इथेन फॉर्मेशन ला ता सहित NaBr फॉर्मेशन ला जदी सिंपली कहबी पिला माने तुमन को सामने रे गुटे Rx नै गलो ई Rx ता 2 मोल्स नबो ये का सहित रिएक्शन करिवो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर सहित एटी प्रोडक्ट कोन मिलबो पिला माने RR प्रोडक्ट मिलबो जदी पिला माने तुमन एटी इथाइल ब्रोमाइड नलो ताले कोन प्रोडक्ट मिलबो ना ब्यूटेन मिलबो इंपोर्टेंट कोन पिला माने जति किटा कार्बन रो अल्काइल हैलाइड नितो तारो डबल नंबर ऑफ कार्बन रो गुटे अल्केन चेन मिलिजो तो पिला माने एति के रिएक्शन देखिलो ऊर्ज रिएक्शन विषय रे आउट के डिटेल्स रे कहबी पिला माने ऊर्ज रिएक्शन विषय रे तो पिला माने तुमनको कहि रखु जे ई ऊर्ज रिएक्शन बेसिस रे आउ दुईटा रिएक्शन मध्ये तुमने पढ़त जेमति कि जोटा के हि होला ऊर्ज फिटिक रिएक्शन आउ फिटिक रिएक्शन पिला माने सिंपली मन रखिबो बहुत इजी विषय इजी वे रे तुमनको कहबी सपोज पिला माने हम मानको सामने रे गुटे रिएक्टेंट अछि Rx Rx गुटे रिएक्टेंट अछि हम मानको पाखरे ये 2 मोल्स रिएक्शन करछि कहां प्रेजेंस रे पिला माने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर प्रेजेंस रे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर रिएक्शन केमति होजि पिला माने इटी गुटे अल्काइल हैलाइड अछि इटी आउ गुटे अल्काइल हैलाइड अछि पिला माने इटी आउ गुटे अल्काइल हैलाइड अछि हम मानको सामने रे ये अल्काइल हैलाइड से तो जब रिएक्शन करछि पिला माने रिएक्शन टा किछि एम्प्टी होछि एटी 2 मोल्स ऑफ सोडियम अछि एटू कोन बाहर जाउछि पिला माने 2 मोल्स ऑफ NaX बाहर जाउछि आ RR पिला माने कपल कर जाउछन्ति पिला माने रिएक्शन रो इंपोर्टेंस कोन ओनली सिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर करि परिबो पॉइंट नंबर 2 पिला माने कोन कहउछि एटी तमनकर कार्बन नंबर टा डबल हेजबो अनसिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर करि परिबो नाही पिला माने जदी तुमे क्रॉस कपलिंग रिएक्शन करिवो ताले अनसिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर करि परिबो जदी दीटा अल्काइल हैलाइड नबो ताले पिला माने अल्केन फॉर्मेशन होबो याको कोन कहबा हमें ऊर्ज रिएक्शन बोली कोइबा पॉइंट नंबर 2 पिला माने जदी तुमने गोटे अल्काइल हैलाइड आ गोटे आरआइल हैलाइड नबो आ गोटे आरआइल हैलाइड नबो आ पिला माने अगेन याकु रिएक्शन करिवो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर सहित ताले तुमनकर आरआइल अल्काइल अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड आरआइल ग्रुप रो कंपाउंड फॉर्मेशन हो जेमति कि पिला माने सपोज Rx सहित मु रिएक्शन करू छी एडी Rx सहित रिएक्शन करू छी फिनाइल क्लोराइड या फिनाइल ब्रोमाइड बा फिनाइल हैलाइड सहित ताले तुमनको एडी कोन मिलिबो गोटे फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलिबो कौन मिले अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एटा को पिला माने कौन कहबा ना ऊर्ज फिटिक रिएक्शन या को कौन कहबा ऊर्ज फिटिक रिएक्शन नेक्स्ट पिला माने इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 3 कहू जी जदी गुटे अल्काइल हैलाइड ने गुटे दीटा जदी सपोज आरआइल हैलाइड नै गली पिला माने दीटा कौन करू छी आरआइल हैलाइड नै जाउ छी पिला माने दीटा जदी मु आरआइल हैलाइड नेबी पिला माने ताले ये 2 मोल्स कहां से तो रिएक्शन करिवो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर सहित रिएक्शन करिवो ताले आरआइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलिवो जोटा कि आरआइल आरआइल मु लिखू छी दैट मींस सपोज मु 2 मोल्स ऑफ हैलो बेंजीन निगली 2 मोल्स ऑफ हैलोबेंजीन निगली इटी कोन मिलबो प्रोडक्ट मिला माने डाइफिनाइल बा बाइफिनाइल प्रोडक्ट मिलबो डाइफिनाइल बा बाइफिनाइल प्रोडक्ट मिलबो याकु कोन कहबा ना पिला माने फिटिक रिएक्शन कहबा याकु कोन कहबा फिटिक रिएक्शन पिला माने रिएक्शन इंपोर्टेंट कोन कहू देखो बुझो ध्यान रे सुनिबो इजिली मन रही पे जब दीटा अल्काइल हैलाइड नेली ताले ऊर्ज रिएक्शन जब दीटा आरआइल हैलाइड नेली ताले फिटिक रिएक्शन गोटे अल्काइल गोटे आरआइल मिसई देली ना दीटा भी मिसई देबी कौन करबी ऊर्ज फिटिक रिएक्शन निजबो तो ये तीनटा इंपोर्टेंट रिएक्शन जोटी हमें कौन प्रिपेयर करवा जब आरआइल हैलाइड दीटा जाक अल्काइल हैलाइड नेबी ताले तुम्हारा अल्केन प्रिपेयर हो दीटा जाक आरआइल हैलाइड नेबी ताले डाइफिनाइल फॉर्मेशन हो जब गोटे अल्काइल गोटे आरआइल नेबी ताले अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन फॉर्मेशन हो ये तीनटा रिएक्शन इंपोर्टेंट अछि पिला माने ये तीनटा को मन रखिबो ता सहित पिला माने किछ इंपोर्टेंट पॉइंट कहू छी जेमति कि तुमन को कहूतले सपोज आम पाखे गोटे अल्काइल हैलाइड अछि याकु सपोज मु पिला माने अल्कोहलिक केसीएन दे दउ छी ताले नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हे जाय आ आरसीएन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हे जाय याकु जदी पिला माने त माने केबे भी H+ H2O दे देलो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देलो ताले पिला माने RCOOH फॉर्मेशन हे जइबो जोटा कि हो जोटा कार्बोक्सिलिक एसिड एटी सिल्वर देकि पिला माने RCOO
एजी फॉर्मेशन करि परबो जोटा को तुम्हारा फर्दर बोरोडिन हुन स्टिकर रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करा जाई पारे बोरोडिन हुन स्टिकर रिएक्शन रे आकू पार्टिसिपेट करि परबो एडी तुम माने पिला माने जदी Br2 CCl4 दे देलो ताले पिला माने अगेन ये कन्वर्ट हिजबो कोथरे RBr रे जोटी कि तुम्हारा कार्बन नंबर डिक्रीज करि गला कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हे गला AgBr रो उडे प्रेसिपिटेट मध्य मिलि जिवो AgBr रो प्रेसिपिटेट मिलि जिवो तो एमती रिएक्शन पिला माने एग्जामिनर पचारि पारे तुम मानको नेक्स्ट पिला माने मूव करबा रिएक्शन नंबर 5 पाको रिएक्शन नंबर 5 कोन दिजि देखिबा रिएक्शन नंबर 5 दिजि फिटिक रिएक्शन बहुत भल रे हमें क्लियर हो जाइतले फिटिक रिएक्शन कोन दिला ना जदी देखिबो दीटा आरआइल हैलाइड अछि सोडियम ड्राईथर सहित रिएक्शन करछन्थि डाइफिनाइल दउछन्थि ताले हमें ताको कोन कहबा फिटिक रिएक्शन नेक्स्ट पिला माने कहली ना दीटा को मिसै देबा कोन उर्ज रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन ताको हमें कहबा उर्ज फिटिक रिएक्शन एटी तो माने देखि पारछो मते पिला माने क्लोरोबेंजीन गुटे अछि सोडियम सहित अछि आ गुटे अल्काइल हैलाइड अछि जोटे कि तुमन को मिथाइल क्लोराइड नै आइछि ड्राईथर प्रेजेंस रे रिएक्शन होछि मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलि गला जोटा हमें टोलुइन बोली कि कहू तार कॉमन नेम कोन पिला माने टोलुइन ता सहित पिला माने 2 मोल सोडियम क्लोराइड मध्ये रिलीज हेगला याको कोन कहबी पिला माने उर्ज फिटिक रिएक्शन पिला माने समस्त कोन करो जिंसोटा को बुझी जाओ स्लाइड गुडा करो स्क्रीनशॉट नै के रखो जो द्वारा तमने ताको बार बार रिवीजन करि परबो किंबा तमने याको लिखि के रखो गुटे पेज रे आ जो जगह रे पढुचो से जगह रे पिला माने याको लगे के रखो जा द्वारा तमने रेगुलरली जदी नेम रिएक्शन को देखिबो ताले तमन कर मन रहिजो नेक्स्ट पिला माने नेक्स्ट रिएक्शन होची डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन ए डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन ता मध्ये बहुत इंपोर्टेंट कोन हो पिला माने ना NaNO2 को HCl सहित रिएक्शन करा जाय आ नाइट्रस एसिड फॉर्मेशन करा जाय एटा होची 0 टू 5 डिग्री भीतर रिएक्शन डा होय तापर एई नाइट्रस एसिड को पिला माने तुम मानकर का सहित ना एनिलिन सहित रिएक्शन करा जाय एनिलिन सहित ए नाइट्रस एसिड को रिएक्शन करा जाय तुम मानको कोन मिलियो पिला माने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दैट मींस प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फ्रॉम एनिलिन इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन याको कोन कहबा पिला माने हम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलकी कहबा ता पूर्व गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कहबी पिला माने जदि एनिलिन को पिला माने NaNO2 HCl डायरेक्ट मु देली NaNO2 HCl देली केमती पिला माने रिएक्शन को करबी ना इन सीटू रिएक्शन करबी इन सीटू रिएक्शन माने होची पिला माने इनसाइड द रिएक्शन मिक्सचर जनरली हम मान को पाकरे HNO2 डा तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाए सेति पिला माने हम NaNO2 HCl को इनसाइड द रिएक्शन मिक्सचर नै दो केते टेंपरेचर रे 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड रे ए रिएक्शन को हम कोन कहबा डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहबा जोटा कि हमर एनिलिन को कन्वर्ट करूची बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रे नेक्स्ट पिला माने हम देखि पारिबा सेंडमियर रिएक्शन अगेन इटा गुटे बहुत इंपोर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जोटा कि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यूज करू कहार प्रिपरेशन पाइना क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन सियानोबेंजीन आ ए सब क्वेश्चन पिला माने सीपीटी एग्जाम रे आसी सारछी ऑलरेडी आ एमती क्वेश्चन आसीबार चांसेस मध्ये अछि तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जेतबा CuCl2 CuCl किबा Cu2Cl2 सहित त माने रिएक्शन करबो क्लोरोबेंजीन मिलिबो सेमते CuBr सहित कहले ब्रोमोबेंजीन मिलिबो सेमते CuCN से कहले सियानोबेंजीन मिलिबो याकु जदि पिला माने केबे हाइड्रोलिसिस करे के दे देला त मानको H+ H2O देके ताले एडी बेंजोइक एसिड मध्ये मिलि जिवो बेंजोइक एसिड रो मध्ये प्रिपरेशन करि परबो त माने आशा करछी पिला माने ए रिएक्शन चारटा मध्ये क्लियर हो जाइतबो जोटि हम अगेन पुनी डिस्कस करले फिटिक रिएक्शन उर्ज फिटिक रिएक्शन डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन जदि पिला माने स्क्रीनशॉट नवा पई चाहौ त ताले स्क्रीनशॉट नै कि मध्ये रखि पारो नेक्स्ट पिला माने मूव करबा आ रिएक्शन नंबर 9 आ रिएक्शन नंबर 9 कोन दिजि पिला माने देखिबा रिएक्शन नंबर 9 हम मानको समझ रहै छी पिला माने गेटरमैन रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन को देखिबा गेटरमैन रिएक्शन कोन कहू छी पिला माने तो मानकर जेमती सेंडमेयर रिएक्शन थिला पिला माने सिमिलरली अछि गेटरमैन रिएक्शन डा बट डिफरेंस कोन सेटी हम यूज करथले क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड क्यूप्रस याने एडी कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl नि जिवा कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr नि जिवा ताले कोन बना N2 गैस तो रिलीज हि जिवा क्लोरोबेंजीन आ ब्रोमोबेंजीन को प्रिपेयर कर परबा CuHCl देखि आ CuHBr देखि एटा होला गेटरमैन रिएक्शन तापर पिला माने नेक्स्ट होजी बाल्स्काइमैन रिएक्शन आमे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रो सब किछि रिएक्शन पढ़ देले पिला माने बेंजीन डाइजोनियम को यूज करके क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन सियानोबेंजीन प्रिपेयर कर देले नेक्स्ट एडी देखिबा पिला माने बाल्स्काइमैन रिएक्शन रे कोन प्रिपेयर करबा ना फ्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करबा ए रिएक्शन टा को कोन कहबा बाल्स्काइमैन रिएक्शन एडी कोन करबा पिला माने आमे एनिलिन को रिएक्शन करू HNO2 सहित जोटा कि फास्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रे कन्वर्ट हो जाए ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगेन जेतबेला HBF4 जोटा को हमें को फ्लोरोबोरिक एसिड या सहित जेतबेला रिएक्शन करू कोन फॉर्मेशन हो जाए पिला फ्लोरोबेंजीन इटे गुटे इंटरमीडिएट स्टेट टा आसे से इंटरमीडिएट पिला माने तुमन को देखिबा को मिलबो N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव फॉर्मेशन हबार एटा फॉर्मेशन होए तापर पिला माने कोन एटू N2 गैस रिलीज हो जाए BF3 रिलीज हो जाए आ तुमन को पाकरे कोन प्रोडक्ट मिल जाए ना फ्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट मिल जाए फ्लोरोबेंजीन दैट मींस कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू फ्लोरोबेंजीन ए रिएक्शन टा को हमें कोन कहबा बाल्स्काइमैन रिएक्शन जोटी कि हमें फ्लोरोबेंजीन रो प्रिपरेशन करि परबा नेक्स्ट पिला माने अमन को सामने रे एक क्वेश्चन नंबर 11 टा बहुत इंपोर्टेंट छ तो अमन को सामने नेम रिएक्शन रो 11 पॉइंट टा बहुत इंपोर्टेंट छ जोटा कि होची कोन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पिला माने दीटा टाइप रे गोटे होची फ्रिडल क्राफ्ट
क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन आउ गोटे फ्रिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन दुटा जाक रिएक्शन को कहि पिला माने अल्काइलेशन माने कोनो बेंजीन सहित अल्काइल ग्रुप लागिवो कहा सहित रिएक्शन करिके गुटे अल्काइल हैलाइड सहित रिएक्शन करिवो इन प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड ए लुईस एसिड ता पिला माने एनहाइड्रस AlCl3 हि पारे बा एनहाइड्रस FeCl3 हि पारे या सहित रिएक्शन करिके पिला माने कोन फॉर्मेशन करिवो गुटे अल्काइल बेंजीन फॉर्मेशन करिवो एटी जेंति कि मिथाइल बेंजीन फॉर्मेशन हिजे एटी मु अल्काइल जगह रे निजि पिला माने CH3Cl जदि ता सहित मु AlCl3 नै गेलि ताले एटी रिएक्शन रे प्रोडक्ट कोन मिलिवो टोलुइन प्रोडक्ट मिलिजो टोलुइन प्रोडक्ट मिलिजो पिला माने इंपोर्टेंट कोन पिला माने ए रिएक्शन रो एटी तुमारो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट थ्रो रे रिएक्शन हुए लुईस एसिड ता रिएक्शन करिवो अल्काइल हैलाइड सहित आ गुटे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करिवो आ जेते बेला भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन ला पिला माने मन रखितबो कोन ना ए कार्बोकैटायन रो रीअरेंजमेंट पॉसिबल ए कार्बोकैटायन रो रीअरेंजमेंट ता पॉसिबल हो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट ओ ई पॉइंट रो क्वेश्चन पिला माने आसीबारो चांसेस बहुत होची तुम मान करो जोटा की होची अल्काइलेशन रिएक्शन कहारो ना बेंजीन रो अल्काइलेशन करिकि तुम मानको अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करई पारे आ बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन रो गुटे एग्जांपल देबी मध्ये ता पूर्व रो पिला माने देखि देबा एसाइलेशन रिएक्शन रो गुटे एसाइल हैलाइड देबो आ इडी एसाइल ग्रुप ता तुमरा सब्स्टिट्यूट हिजबो रिएक्शन रे एसाइल ग्रुप ता सब्स्टिट्यूट हिजबो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कोजि पिला माने ध्यान सुनिबो तुमको बेंजीन देकि अल्काइलेशन करदेला ए अल्काइलेशन कर सारा पर जो ग्रुपटा आसगला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुपटा से ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कर ऑर्थोपारा पोजीशन को आसो नेक्स्ट पिला ये जब एसाइलेशन रिएक्शन करदे गोटे एसाइल ग्रुपटा आसगला जो गोटे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुपटा कौन कर पाला मेटा डायरेक्टिंग जदि इलेक्ट्रोफाइलटा आसला तेल सी को पोजिशन को जीव मेटा पोजिशन को जीव ए पॉइंटा को मन रखे नेक्स्ट पिला तुमको कहि ये रीअरेंजमेंट विषय में गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कहि ध्यान रखी पार से रीअरेंजमेंट विषय में कौन कहूँ पे सपोज मुझे गोटे अल्काइल हैलाइड एमती नहीं गली तुमको पाखे ये गोटे अल्काइल हैलाइड नहीं गली ए अल्काइल हैलाइड रे पिला माने कहबी तुमको सामने सपोज एमती गोटे अल्काइल हैलाइड नेली जोटी पिला माने टोटल तीन टा कार्बन अच्छे अम्मान पाखे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जिते बेला मुझ कार्बोकैटायन टा फॉर्मेशन करी पिला माने अम्मान को सामने एमती गोटे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो ये कौन कर पिला माने रीअरेंजमेंट करके एमती गोटे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करदेव जोटा कि टू डिग्री कार्बोकैटायन आ गोटे स्टेबल कार्बोकैटायन आउ ये बेंजीन सहित जो अल्काइलेशन करवा बेंजीन सहित अल्काइलेशन कला पिला माने ये गोटे ए प्रोडक्टा देव ए प्रोडक्टर ना कौन पिला माने क्यूमिन डायरेक्टली तुमको क्वेश्चन में देखा मिल पाए यहाँ हूँ क्यूमिन क्यूमिन प्रोडक्ट मिल पाए पिला माने दैट मीन जो कार्बोकैटायन टा फॉर्मेशन होजी ताको रीअरेंजमेंट करके मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन रे कन्वर्ट कर दियो कन्वर्ट कर सारा पर पिला माने तुमने ताको डायरेक्टली अल्काइलेशन करो ए बेसिस रे हमें क्लियर हो गले कोन फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नेक्स्ट पिला माने मूव करबा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दीटा बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन पिला माने जोटि हमें अल्किन को कोथरे कन्वर्ट कर पारिबा अल्कोहल रे आ लास्ट क्लास मध्ये तुमको ए विषय रे गोटे मु वीडियो बनैथिली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आ ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन विषय रे कहिथिली जोटि हमर क्विज रे थिला क्विज रे मु दीटा रिएक्शन भितर ऑलरेडी कहि दिथिली बट स्टिल एटी कहू जी पिला माने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को केमती मन रखिबा परिला पिला माने जदि हम पाखरे गोटे अल्किन अछि ए अल्किन को हमको कोथरे कन्वर्ट करबा अल्कोहल रे कन्वर्ट करिवार छि कोथरे कन्वर्ट करिवार छि अल्कोहल रे कन्वर्ट करिवार छि ताले याकु मु इजीली दुटा रिएक्शन थ्रो रे जाई पारे गुटे हो छि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आ गुटे हो छि ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन ए दुटा रिएक्शन थ्रो रे पिला माने मु रिएक्शन टा को मूव करै पारे ए दुटा रिएक्शन को पिला माने डिटेल्स रे डिस्कस करबा एटी देखिबा फर्स्ट कोन कहि छि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रे पिला माने फर्स्ट बोरेन यूज करबा आ H2O2 जेंति कि ना लिखा हि छि हाइड्रोबोरेशन बोरेन को ऐड कर देली काकु ना बोरेन को ऐड कर देली ऑक्सीडेशन अछि गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जोटा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड या यूज कर दे हाइड्रोबोरेशन होगा ऑक्सीडेशन होगा पिला माने रिएक्शन रो प्रोडक्ट रे तो माने देखि पारिबो एडी हाइड्रो हाइड्रोक्सी बोरेन आसी आ गोटे अल्कोहल प्रोडक्ट आसी गोटे अल्कोहल प्रोडक्ट आसी ए बेसिस रे तो माने मन रखि पारिबो ता सहित पिला माने इंपोर्टेंट देखि कहबी तो माने याकु जदि सिंपली मन रखिबा पई चाहौ छ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को ताले गोटे ट्रिक दउ छी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन तो मन करो एडी एडिशन ऑफ वाटर हो इनडायरेक्टली रिएक्शन रे रिएजेंट मन रखि दबो इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो केमती इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो देखो पिला माने सपोज गुटे आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एल्किन अछि एडी जदि पिला माने मु कोन ऐड करू छी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करू छी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सला परे तो मन को कोन कहले एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो कहारो ना वाटर रो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कोन कहू छी जोटा मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन सेटी जीवो नेगेटिव पार्ट दैट मीन एडी जो कार्बन ता तुमरो अछि ए कार्बन पाकु कोन पळेबो ना OH पळेबो आ एटी गुटे हाइड्रोजन आसी जबो दैट मींस एटा गुटे अल्कोहल फॉर्मेशन हबो ऑन द बेसिस ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल अनुसार कोन हबो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हबो नेक्स्ट सिमिलरली पिला माने तुमन को सामने रे जो रिएक्शन नंबर 13 डा अछि से रिएक्शन नंबर 13 डा अछि ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन रिएक्शन आ ए ऑक्सीमर्क्युरेशन रिएक्शन डीमर्क्युरेशन रिएक्शन ता तारो ऑपोजिट ए ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन रिएक्शन ता तारो जस्ट ऑपोजिट कोन ऑपोजिट पिला माने कहू छी
सही तुमको अन् द बेसिस अफ एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है अन् द बेसिस अफ मार्कोनिक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता पूर्व कहि ऑक्सी मर्क्यूरेशन दैट मीन मर्क्यूरी किसी कंपाउंड एड होता है मर्क्यूरिक एसीडेड इन प्रेजेंट ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन और वाटर सॉल्वेंट प्रेजेंस रे मर्क्यूरिक एसीडेड को रिएक्शन करागला मन रखे पे इंपोर्टेंट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कौन होता है बोरेन यूज कली सेकंड स्टेप कौन करती ऑक्सीडेशन करती H2O2 प्रेजेंस नेक्स्ट पे मैंने इंपोर्टेंट कौन कहली ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मर्क्यूरिक एसीडेड एड करी ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा डीमर्क्यूरेशन में कौन करी गोटे रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर देवी जो कि NaBH4 जो यूज करेंगे पे मैंने आम सामने गोटे अल्कोहल प्रोडक्ट मिल अल्कोहल प्रोडक्ट मिल ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिक ऑफ एडिशन अनुसार मार्कोनिक ऑफ एडिशन पॉलिसी जब पे मैंने ट्रिक मन रखा चाहते कही पार ODM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मार्कोनिक ऑफ एडिशन ए बेसिस पे मैंने मन रखी पार प्रोडक्ट नेक्स्ट पे मैंने सामने बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन गोटे अच्छे जो राइमर टाइमन रिएक्शन राइमर टाइमन रिएक्शन सब बेले पे एग्जाम क्वेश्चन देखा मिले कौन पाई ना ये बहुत किसी जिन यूज होता है जमीन तुम्हारा इंटरमीडिएट हो गला मेकानिजम होगा बहुत किसी डिटेल्स यूज हुए सब पॉइंट को ट्राई करी कंप्लीट करने सर्ट भिडियो से ध्यान देते शुणु पे ये कौन हुए ना पे राइमर टाइमन रिएक्शन में आम फिनॉल को कन्वर्ट करू कौते ना सालिसिलाल्डिहाइड्रे फिनॉल को कन्वर्ट करू सालिसिलाल्डिहाइड्रे आउ तुम देखिपो सालिसिलाल्डिहाइड्रे बहुत ऑर्थो सालिसिलाल्डिहाइड प्लस पारा सालिसिलाल्डिहाइड मिल बट मेजर प्रोडक्टा कौन मिल ऑर्थो सालिसिलाल्डिहाइड ऑर्थो सालिसिलाल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट मिल रिएजेंट कौन पे क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस जिते बड़ा क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस यूज करी से फिनॉलटा कन्वर्ट हो कौरे ना सालिसिलाल्डिहाइड इंपोर्टेंट कौन पे जो तुमको पाखे रिएक्ट रिएजेंटा अच्छे से कौन क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH CHCl3 टा कहाँ सहित रिएक्शन कर NaOH सहित NaOH टा गोटे बेस कौन कर प्रोटोन को बाहर करदेव फास्ट दैट मीन CCl3 नेगेटिव बाहर कर क्लोरीन टे बाहरी जाइए तुमको सामने पे गोटे इंटरमीडिएट जेनेट कर दैट इंटरमीडिएट इज नोन एज कार्बिन इंटरमीडिएट ये रिएक्शन रो इंपोर्टेंट कौन पे डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट यूज हुए जोटा कि तुमको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके सालिसिलाल्डिहाइड प्रोडक्ट दिए ये जब पे क्लोरोफॉर्म न नहीं कि CCl4 नहीं गली CCl4 नहीं जीवी ताले CCl4 नहीं गले पे कार्बोक्सिलिक एसिड आसो दैट मीन सालिसिलिक एसिड प्रोडक्ट मिल जाए तो ये रिएक्शन दुटा को मन रखी थोड़ा राइमर टाइमर रिएक्शन अंडर पे नेक्स्ट मूव करवा पे कोलबेस रिएक्शन पाक कोलबेस रिएक्शन में पे कौन हो देखिपार तुमने कोलबेस काइबेंट रिएक्शन सिमिलर टाइप रिएक्शन होती बट ये फिनॉलटा कौन कन्वर्ट हो सालिसिलिक एसिड कन्वर्ट हो पे सालिसिलिक एसिड कन्वर्ट हो फिनॉलटा आमती कन्वर्ट हो क्या सहित रिएक्शन कराऊ पे NaOH CO2 सहित रिएक्शन कराऊ गोटे एसीडिक मीडियम रखा हो तो ये फिनॉलटा कौन कन्वर्ट हो पे आम सालिसिलिक एसिड कन्वर्ट हो कौन पाई ना C डबल बॉन्ड O ग्रुप सहित तुमको ये फर्स्ट गोटे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होपर ये पे ओ नेगेटिव जो होती है ओ नेगेटिवटा ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर एमती रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके सालिसिलिक एसिड प्रोडक्ट देव पे बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन यहाँ होगी कोलबेस काइमेट रिएक्शन नेक्स्ट पे रोजन मून रिएक्शन आउ CPT एग्जाम ऑलरेडी या विषय में क्वेश्चन पचारि सारी तो इंपोर्टेंट पे यहाँ रोजेनमोंड रिएक्शन बा रोजेनमोंड रिएक्शन रे कौन हो पे गोटे एसिड क्लोराइड आम नौ रिएक्शन करू हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 जब हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 सहित रिएक्शन करू ये गोटे एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिले कौन मिले एल्डिहाइड आउ ये हूँ गोटे रिडक्शन प्रोसेस यहाँ हूँ कौन गोटे रिडक्शन रिएक्शन गोटे पे कौन कह सिंपली मन रखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन अच्छी रिडक्शन मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये HCl को बाहर करदेव एल्डिहाइड को बाहर करदेव एल्डिहाइड और HCl मिल जाए यहाँ हूँ पे कौन ना रोजेनमोंड रिडक्शन रोजेन रिएक्शन जोड़ा कि एसिड हालाइड को कौथे कन्वर्ट कर हेल्प करे एसिड हालाइड को पे तुमको कन्वर्ट कर हेल्प करे एल्डिहाइड आशा कर 16 रिएक्शन तुमको बहुत भल क्लीयर हो नेक्स्ट पे हमें मूव करवा क्वेश्चन नंबर 17 आम नेम रिएक्शन नंबर 17 पाक नेम रिएक्शन नंबर 17 को डिटेल्स देखा नेक्स्ट पे आम सामने रिएक्शन नंबर 17 आसा कि बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन गोटे तुमने देखिपार रिएक्शन नंबर 17 हूँ इटार्ड रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन पे टॉल्युइन टॉल्युइन को कौन कन्वर्ट कर हेल्प करे पे बेंजाल्डिहाइड कन्वर्ट करमको हेल्प कर बेंजाल्डिहाइड कन्वर्ट कर हेल्प कर इंपोर्टेंट कौन पे रिएजेंट जो यूज करूँ CrO2Cl2 जोटा कि क्रोमाइल क्लोराइड को पे ये यूज करू जोटा कि आम हेल्प करे कौन हेल्प करे पे आमको टॉल्युइन टॉल्युइन को कन्वर्ट करे कौन ना बेंजाल्डिहाइड टॉल्युइन को पे मतलब डायरेक्टली बेंजाल्डिहाइड कन्वर्ट कर इटार्ड रिएक्शन यूज करी कौन देखिए ना क्रोमाइल क्लोराइड देखी तासे तो कही पारे पे गोटे इंटरमीडिएट जेनेट हुए इंटरमीडिएट तुमको एमती देखा CHOCr
O2Cl2 এটা পেলাম মানে গোটা ইন্টারমিডিয়েট দেখা যাব যেটা কি তোমাদের ফার্দার কোথায় কনভার্ট হয়ে যায় বেনজালডিহাইড রে কনভার্ট হয়ে যায় নেক্সট পেলাম মানে ইম্পর্টেন্ট নেম রিঅ্যাকশন গোটা হচ্ছে গেটারম্যান কোচ রিঅ্যাকশন এই গেটারম্যান কোচ রিঅ্যাকশনটা পেলাম মানে ডাইরেক্ট বেনজিন কো বেনজালডিহাইড রে কনভার্ট করিবার হেল্প করে দেখি পড়ছো যেমন কি পেলাম মানে বেনজিন যেতেবেলা কার্বন মনোক্সাইড সহ রিঅ্যাকশন করছি HCl সহ রিঅ্যাকশন করছি গোটা লুইস অ্যাসিড AlCl3 আর CaCl প্রেজেন্স রে CuCl প্রেজেন্স রে এডি আমার গোটা অ্যালডিহাইড গ্রুপটা লাগি যাওছে ডাইরেক্টলি কাহা সহ না বেনজিন সহ আর এটা বেনজালডিহাইড রো প্রিপারেশন মধ্যে গোটে কোটু না सिंपल पिला माने कोन हो पिला माने एडी एचसी डबल बॉन्ड ओ गुटे ग्रुप फॉर्मेशन है जे आ एडी पिला माने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल आ जाए तमन ग्रुप जुड़ के तमन ग्रुप बेंजाइल डिहाइड फॉर्मेशन है जे तो इंपॉर्टेंट कोन पिला माने तमन को गुटे क्वेश्चन देउ छी क्वेश्चन फॉर्मेट रे मन रखबो सपोज गुटे पिला माने बेंजीन अछि ए बेंजीन को पिला माने मु कोन करू छी ना CH3Cl दे देउ छी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कोन फॉर्मेशन हो ना टोलुइन फॉर्मेशन है जे ई टोलुइन को पिला माने कोन करि परबी मु इटार्ड रिएक्शन करी पारि इटार्ड रिएक्शन जदि करली पिला माने कोन मिलबो ना बेंजालडिहाइड मिलबो एमती पिला माने क्वेश्चन जदि बार बार प्रैक्टिस करबो हले तमनकर मन रहइबो आ दुटा बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन कोन कोन ना इटार्ड रिएक्शन और गेटरमैन कोच रिएक्शन मनकर कंप्लीट हला नेक्स्ट पिला माने 19 नंबर रिएक्शन टा बहुत बेसी इंपोर्टेंट जोटा कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पिला माने सिंपल आगो मीनिंग बुझदम तापर तुमन को गोटे डिटेल्स रे क्वेश्चन मध्ये करके देखेबी कोन कहू पिला माने गोटे एल्डिहाइड बा कीटोन अछि आ गोटे एल्डिहाइड बा कीटोन सहित रिएक्शन करबो जा पाखरे कोन थी माने अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल थी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल थी वो समाने कौन करेंगे आइदर सेल्फ कपलिंग करी पारे नॉले क्रॉस कपलिंग ही पारे माने सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही पारे नॉले क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही पारे जदि सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होला गोटे मेजर प्रोडक्ट मिलबो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ले पिला माने चारटा प्रोडक्ट मिलबारो चांसेस अछि पिला जदि डिफरेंट कंपाउंड दुटा अछि ताले चारटा प्रोडक्ट मिलबो जदि दुटा को सेम कंपाउंड अछि ताले तमनकर गोटे रु दुटा प्रोडक्ट मिलि पारे आ एटी सिमिलरली फर्स्ट कोन दिआइ छि एसिड बेस दिआइ कि वर्कअप कराइ छि पिला माने इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कंपाउंड सेविंग अल्फा हाइड्रोजन देबे अल्डोल कंडेंसेशन सेकंड पिला माने एटी कोन यूज करबा ना डाइल्यूट NaOH यूज करबा हमें गुडे डाइल्यूट बेस यूज करबा जतो डाइल्यूट बेस यूज करबा पिला माने फर्स्ट प्रोडक्ट हम मन को समझ आसीबो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड दैट मींस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलबो जोट की पिला माने तुमने जदी किसी हीट देबो हीट दे साला परे वाटर रो एलिमिनेशन हिजबो वाटर रो एलिमिनेशन पिला माने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलबो कोन मिलबो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलबो ता सहित पिला माने तुमन को गोटे एग्जांपल देखि कहबा को चाहिबी कि हम माने सपोज गोटे कंपाउंड नेले CH3C डबल बॉन्ड ओ H सपोज पिला माने मु एटी गोटे कंपाउंड नो जी जोटा कि हो पिला माने गोटे एल्डिहाइड जोटा कि हो एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड ओ H नो जी ई एसिटाल डिहाइड पिला माने आउ गोटे एसिटाल डिहाइड सहित रिएक्शन करिवो केमती करिवो मन रख पिला माने एमती वे रे तो माने डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखि परिवो एटा होचे आउ गोटे एल्डिहाइड पिला माने ए आर रेस्पेक्ट रे एटा होचे अल्फा कार्बन कोन कहली अल्फा कार्बन रेस्पेक्ट रे पॉजिटिव नेगेटिव देबो एटा होचे पिला माने पॉजिटिव एटा होचे नेगेटिव एटी पिला माने उल्टा कर देबो कोन कर देबो एटा होचे नेगेटिव एटा होचे पॉजिटिव एमती उल्टा कर दलो कौन कहली पिला माने एटी पॉजिटिव नेगेटिव कर दलो एटी भी पॉजिटिव नेगेटिव सेमती डिवाइड कर दियो एटा सपोज हो जे पॉजिटिव एटा हो जे नेगेटिव एबे नेगेटिव आ पॉजिटिव को गोटे जगह को नै आसो ई पॉजिटिव नेगेटिव को गोटे जगह को नै आसो तो प्रोडक्ट एमती आसी पिला माने CH3 एटी कार्बन सहित हाइड्रोजन लागी छि ता सहित गोटे OH लागी गला आ ता सहित एटी CH2 C डबल बॉन्ड OH लागी गला एटा आसी गला फर्स्ट पिला माने अल्फा बीटा दैट मींस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पिला माने प्रोडक्ट फॉर्मेशन आसीला बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जेतबला याकू हीट दबा पिला माने हीट देले कोन हबो ना इटा जो अल्फा बीटा पोजीशन अछि कोन करइबो अल्फा रु हाइड्रोजन बीटा रु ओएच ग्रुप एई दुटा को बाहर कर दबो आ अल्फा बीटा भितरे कोन करइबो ना गोटे डबल बॉन्ड दे दो अल्फा बीटा भितरे डबल बॉन्ड दे दो तो प्रोडक्ट त मनकू एंती देखा जइबो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ओ H एटा प्रोडक्ट देखा जीव पिला माने अल्फा बीटा भितरे गुटे डबल बॉन्ड आसी जीव आ यार कॉमन नेम टा मध्ये बहुत इंपोर्टेंट याको कहा जाय क्रोटोनाल डिहाइड बोली कोन कहा जाय पिला माने क्रोटोनाल डिहाइड बहुत सिंपल वे रे कहि पिला माने प्रोडक्ट केमती तो माने डायरेक्टली बाहर करबो ता पई कहू छी कोन जो एल्डिहाइड बा कीटोन दिजी ताको एमती करके लिखो CH3 C डबल बॉन्ड ओ H अछि आउ गुटे जो अछि पिला माने तारा अल्फा हाइड्रोजन को बाहर करके लिखो CH2 हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड ओ H एमती बाहर करके रखो पिला माने कोन कहू छी पिला माने ए हाइड्रोजन देखो पिला माने ध्यान सुनो ए ऑक्सीजन रो बॉन्ड टाको एठी के शिफ्ट कर दियो ए कार्बन को ए कार्बन सहित जॉइन कर दियो जॉइन कर देले पिला माने प्रोडक्ट कोन मिलबो देखो CH3 कार्बन सहित एठी लागी गला OH एठी गुटे हाइड्रोजन थिला
एटा लागिगला CH2 C डबल बॉन्ड ओ H सहित एमती तुमने डायरेक्ट प्रोडक्ट बाहर करि पारिबो पिलाने आ डायरेक्ट प्रोडक्ट बाहर कर सला परे सेटुक तुमने वाटर को एलिमिनेशन करकी तुमनकर फाइनल प्रोडक्ट बाहर करि पारिबो सिमिलरली पिलाने तुमने गोटे रिएक्शन दो जे ताको ट्राई करिबो मध्य तुमनको सामने रे सपोज अछि एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3 एटी पिलाने मु डाइल्यूट NaOH दोछि डाइल्यूट NaOH दोछि या सहित जदि रिएक्शन करछो याको 2 मोल्स नेकी ताले प्रोडक्ट कोन मिलिबो पिलाने एटा होछि तुमनको पई क्वेश्चन एटा तुमने कमेंट सेक्शन रे कमेंट करके जणा को याड प्रोडक्ट कोन आसीबो आ जो प्रोडक्ट आसीबो पिलाने तारो कॉमन नेम टा कोन ए दिटा पिलाने तुमनको पई क्वेश्चन नेक्स्ट पिलाने जदि दिटा कंपाउंड ने गलो तुमने सपोज मु कोन करछि ना CH3 C डबल बॉन्ड ओ H गोटे कंपाउंड नेली प्लस पिलाने नेली आ गोटे कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3 दैट मींस एटा होछि डिफरेंट कंपाउंड दिटा एटा को कोन ना देबी ना क्रॉस एल्डोल ना देबी क्रॉस एल्डोल ना देबी क्रॉस एल्डोल रे पिला माने तुम मानकर केतेटा प्रोडक्ट मिलबो ना चारिटा प्रोडक्ट मिलबो चारिटा प्रोडक्ट को बेसिस रे मिलबो ताको कोइ रखु जे पिला माने यारो सेल्फ कंडेंसेशन रे गुटे प्रोडक्ट मिलबो यारो सेल्फ एल्डोल रे गुटे प्रोडक्ट मिलबो सेकंड यारो सेल्फ एल्डोल रे गुटे प्रोडक्ट मिलबो सेल्फ रे पॉइंट नंबर 2 पिला माने एटू अल्फा हाइड्रोजन बाहर करबो याकू या सहित अटैक करबो आउ गुटे प्रोडक्ट मिलबो जोडा के होची क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट दैट मींस प्रोडक्ट नंबर 3 प्रोडक्ट नंबर 4 पिला माने कोन कहले ए टू अल्फा हाइड्रोजन को बाहर करबो याकू या सहित अटैक करबो अमन कर आउ गुडे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मिलबो एमदी चारटा टाइप रो प्रोडक्ट मिलबार चांसेस अछि एटा होउ पिला माने तुमन कर डिटेल्स रे कहि रखले एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बिषय रे आउ नेक्स्ट गुडे इंपोर्टेंट रिएक्शन थिला रिएक्शन नंबर 20 रे जोटा कि कोन पिला माने अमन को सामना रहछि जोटा कि होछि कानिजारो रिएक्शन ए कानिजारो रिएक्शन ना मते बहुत इंपोर्टेंट पिला माने एटी देखि पारिबो कानिजारो रिएक्शन ना टिके तुमन कर अपोजिट लागिबो कहारो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो एटी पिला माने कंसंट्रेटेड बेस बा कंसंट्रेटेड NaOH हमें यूज करू कहां पई ना कंपाउंड जोडी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नथिबो अल्फा हाइड्रोजन जो कंपाउंड रे नथिबो से माने हमर कानिजारो रिएक्शन करिवे बहुत सिंपल रिएक्शन कोन करिवो पिला माने जो एल्डिहाइड बा कीटोन दीजी याकू 2 मोल्स नै जीवो थोरी याकू ऑक्सीडाइज कर दबो थोरी याकू रिड्यूस कर दबो आ हमें जान जो एल्डिहाइड बा कीटोन रो ऑक्सीडाइज कोले कार्बोक्सिलिक एसिड मिलिबो आ एडी जो पिला माने प्रोडक्ट मिलिबो सेटा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलिबो जदि NaOH नै छ जदि KOH नै छ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलिबो ता सहित पिला माने रिड्यूस कोले कोन मिलिबो ना गोटे अल्कोहल मिलिबो कोन मिलिबो अल्कोहल मिलिबो सपोज पिला माने मु कंपाउंड ता कोन हो जे जदि मोटी बेंजाल्डिहाइड निजी तो माने देखि पारछो जदि बेंजाल्डिहाइड नेली बेंजाल्डिहाइड पिला माने कोन मिलिबो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड आ गुडे अल्कोहल मिलिबो जोडा के होची बेंजाइल अल्कोहल एही सेम केस रे जदि पिला माने मु 2 मोल्स ऑफ HC डबल बॉन्ड ओ H नेली जोडा के होची फॉर्मल्डिहाइड एटी गुडे पिला माने मिलिबो कोन सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड फर्स्ट सेकंड पिला माने तुमन को कोन मिलिबो ना गुडे मिथेनॉल मिलिबो CH3 होच पिला माने सिंपल कार्बन नंबर रे किछि भी चेंजेस करिबाने एल्डिहाइड ग्रुप को थोरै ऑक्सीडाइज कर देबार होची थोरै रिड्यूस कर देबार होची दैट मींस प्रोडक्ट ता ई बेसिस रे फॉर्मेशन करिबो जदी एल्डिहाइड होची याकू थोरै पिला माने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देलो आ थोरै याकू रिड्यूस कर देलो याकू थोरै रिड्यूस कर देलो एई बेसिस रे तुमे कानिजारो रिएक्शन रो प्रोडक्ट लिखि पारिबो सिंपल रिएक्शन पिला माने नेक्स्ट पिला माने तुमन को मुव करबे क्वेश्चन तुमन को नेम रिएक्शन नंबर 21 रे आ नेम रिएक्शन नंबर 21 कोन दिछि विटिक रिएक्शन एटा मध्ये गुटे पिला माने बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन जोडा कि तुमन को हेल्प करे कोथरे ना तुमन को एल्डिहाइड बा कीटोन को कोथरे कन्वर्ट करिवार एल्कीन रे कन्वर्ट करिवार सिंपल कोन कोजी पिला माने एटी गुटे एल्डिहाइड बा कीटोन दिआइ जी गुटे फास्फोरस इलाइड नियाइ जी कोन कहिले पिला माने फास्फोरस इलाइड सहित रिएक्शन कराइ छी इलाइड सहित रिएक्शन कला पर कोन हो गुटे फोर मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हो तापर गुटे एल्कीन फॉर्मेशन हो तापर एल्कीन गुटे फॉर्मेशन हो या ऊपर डिपेंड करे कि एल्कीन डा ई एल्कीन नै पारे किबा जेड एल्कीन नै पारे जदी एडी पिला माने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किछ प्रेजेंट अछि एडी किछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट सहित प्रेजेंट अछि ताले तमन कर ई एल्कीन डा मेजर प्रोडक्ट जदी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अछि ताले जेड एल्कीन डा मेजर प्रोडक्ट पिला पिला माने सिंपल कहू छी याकू केमती मन रखिबो गुटे एल्डिहाइड बा कीटोन सपोज तुम मानकू दै छी गुटे कार्बोनिल कंपाउंड सपोज दै छी गुटे कार्बोनिल कंपाउंड दै छी ए कार्बोनिल कंपाउंड को तुम माने कहा सहित रिएक्शन करछो पिला माने फास्फोरस इलाइड सहित CHR लिखू छी पिला माने आ एडी ट्राइफिनाइल फास्फोनियम इलाइड बोली कि याकू कहा जाय ट्राइफिनाइल फास्फोनियम इलाइड सहित रिएक्शन करछो सिंपल पिला माने कोन कहू छी देखिबो ध्यान से ए पार्ट टा को इटु बाहर कर दबो कोन पई ना मु तुमन को सब बेले कहि जे फास्फोरस आ ऑक्सीजन रो इंटरेक्शन बहुत बेसी एटा को बाहर कर दबो रेस्ट जो पार्ट टा रहला ताको एल्कीन रे कन्वर्ट कर दियो ताको एल्कीन रे कन्वर्ट कर दियो माने एम्प्टी प्रोडक्ट मिलबो सिंपल कोन कहली एटा को बाहर कर दबो फास्फोरस
ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड को बाहर कर दबो, बाकी रेस्ट पार्ट टा को जॉइन कर दबो, डबल बॉन्ड दे दबो, अल्किन डा गुटे फॉर्मेशन हबो। याको कोन कहबा हमें विटिग रिएक्शन एडा गुटे फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखी मैकेनिज्म डा जाय। मैकेनिज्म इंपोर्टेंट नै पिला माने हमने कोन कहबा आईडी रिएक्शन गुडा को मन रखुछो। नेक्स्ट पिला माने हमन को सामने रहछ क्लेमेंसन रिडक्शन आ गुटे हो जो वुल्फ किस्नर रिएक्शन, दीटा जको बहुत सिंपल कोन करबे पिला माने एल्डिहाइड बा कीटोन होची याको कोथरे कन्वर्ट करबे एल्केन रे कन्वर्ट करबे, कोथरे कन्वर्ट करबे एल्केन रे कन्वर्ट करबे। क्लेमेंसन रिएक्शन रिडक्शन केस रे पिला माने जिंक मर्क्यूरी HCl नबा, आ वुल्फ किस्नर रिएक्शन सिंपल रिएक्शन पिला माने कोन कहबी हेल्पहोल्डर जेनेल्स के रिएक्शन रे कोन हो ना गुटे कार्बोक्सिलिक एसिड थिवो, ई कार्बोक्सिलिक एसिड रे अल्फा पोजीशन होछ एटा, याको जेतला Br2 रेड फास्फोरस सहित रिएक्शन करबो त माने ई अल्फा पोजीशन रे जति किटा हैलोजन थिबे ई हैलोजन रो पोजीशन ई हाइड्रोजन रो पोजीशन रे कोन हो ना हैलोजन ऐड हो जइबो। जेमति कि देखु छ जेतला Br2 देलो एटी Br2 जेतबला देले पिला माने ई Br2 रो कोन हो गुटे ब्रोमीन मॉलिक्यूल टा HBr हे कि बाहर जइबो आ नेक्स्ट ब्रोमीन टा एटी लागि जइबो एटी माने अल्फा हैलो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन हिजो कोन हिजो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड याको कोन कहबा हेल्पहोल्डर जेलेंस की रिएक्शन बोलकी कहबा। नेक्स्ट बला माने मूव करबा रिएक्शन नंबर 25 पाको, आ रिएक्शन नंबर 25 कोन दिजि बला माने बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन जोटा की होजी हैलोफॉर्म रिएक्शन। आ पिला माने प्राय सबले तमान को एग्जाम रे क्वेश्चन देखिबा को मिलिबो हैलोफॉर्म रिएक्शन रो। हैलोफॉर्म रिएक्शन रे कोन देखि पारिबो त माने किला माने सबडु फर्स्ट एल्डिहाइड पै कहू छी को भी एल्डिहाइड बा कीटोन हो जदि पिला माने मिथाइल कीटोन बा मिथाइल एल्डिहाइड हो एही ग्रुप टा प्रेजेंट हो ताले से तुम्हारो हेलो हैलोफॉर्म रिएक्शन दबो। हैलोफॉर्म रिएक्शन रे कोन करबा गुटे बेस सहित तो हैलोजन को रिएक्शन करबा आ माइल्ड एसिड वर्कअप देके करबा। पिला माने कोन करबो सिंपल कहू छी पिला माने रिएक्शन रो प्रोडक्ट डायरेक्टली लिखि पारिबो इटी आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो छी सी एच 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 हो छी 3 मोल्स ऑफ x2 को ऐड कर दियो 3 मोल्स ऑफ x2 को ऐड कर देली पिला माने एटू कोन कलो hx गुटे बाहर कर दियो hx गुटे बाहर कर दियो hx गुटे बाहर कर दियो hx बाहर कला पले पिला माने तमन को गुटे एम्प्टी प्रोडक्ट मिलबो c डबल बॉन्ड o एटी कार्बन सहित तीनटा हैलोजन थिबे। तापर कोन करबो पिला माने naos दे दियो naos दिया आइछ ना naos दे देली तापर हाइड्रोजन nao एटा को बाहर कर दियो एटा को बाहर कर दियो एटा कोन होला पिला माने CHX3 देखि परछु एटी CHX3 C डबल बॉन्ड OH अछि पिला माने एटा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो प्रोडक्ट बाहर करबार बहुत सिंपल वे बते देली। फर्स्ट कोन कहली ना मिथाइल कीटोन जदी ग्रुप अछि केबे भी मिथाइल कीटोन ग्रुप अछि ताले से हैलोफॉर्म रिएक्शन देखबो। पॉइंट नंबर 2 जदी अल्कोहल अछि अल्कोहल रे केबे भी 2 ऑल जदी अछि पिला माने ब्यूटेन 2 ऑल प्रोपेन 2 ऑल पेंटेन 2 ऑल ताहाले मध्ये से माने कोन देखैबे हैलोफॉर्म रिएक्शन देखैबे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पिला माने जदी तुमन को पाकर केबे भी इथानॉल देखा गला ए इथानॉल टा गोटे ही प्राइमरी अल्कोहल एटा ही गोटे ही 1 डिग्री अल्कोहल जे तुमरो हैलोफॉर्म रिएक्शन देखैबो। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन बा आयोडोफॉर्म रिएक्शन टा बहुत इंपोर्टेंट एटी तुमन को आयोडोफॉर्म रो येलो कलर रो प्रेसिपिटेट मिलबो जदी CHI3 मिलला ताले यारो येलो कलर रो प्रेसिपिटेट मिलबे लोना इंपोर्टेंट। नेक्स्ट पिला माने कहबे होपमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन टा होपमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन रे कोन हो पिला माने गुटे अमाइड ग्रुप टा को हम एमीन रे कन्वर्ट करबा अमाइड को कोथरे कन्वर्ट करबा प्राइमरी एमीन रे एटी देखि पाछो गुटे अमाइड अछि ए अमाइड को कोथरे कन्वर्ट कर दिछु NH2 रे सिंपल इंपोर्टेंट कोन पिला माने एटी कार्बन नंबर डिक्रीज कर जाय कार्बन नंबर डिक्रीज कर जाय रीजन कोन दो पिला माने Br2 NaOH बा Br2 KOH दबा। सिंपल पिला माने केमती मन रखियो तुम पाकरे C डबल बॉन्ड ओ NH2 ग्रुप अछि ए सी डबल बॉन्ड ओ एनएच2 ग्रुप को कोथरे कन्वर्ट कर दबो एनएच2 रे कन्वर्ट कर दबो डायरेक्टली एटी गुटे कार्बन को बाहर कर दबो कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म रे ताले तमन गुटे प्राइमरी एमीन मिल जबो 1 डिग्री एमीन रो प्रिपरेशन पई जनरली हमें यूज करू होपमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोली की कहा जाय जेहेतु कार्बन नंबर डिक्रीज करू सेति मैं याको होपमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोली को मध्ये कहा जाय। नेक्स्ट पिला माने रिएक्शन नंबर 27 कोन अछि देखिबा रिएक्शन नंबर 27 अछि पिला माने हमन को सामने रे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन एटा मध्ये मध्ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन रे एटा होय पिला माने थैलामाइड हमर रिएक्शन टा थैलामाइड रो प्रिपरेशन जदी कहबे पिला माने सपोज तमन को पाकरे थैलिक एसिड अछि सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच याको कह जाय पिला माने थैलिक एसिड एटी जदी पिला माने H2O रिमूव कर देले ताले थैलिक एनहाइड्राइड हमन को मिलि जबो सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ एटा थैलिक एनहाइड्राइड को जेतेबला भी पिला माने मु NH2 सहित NH3 सहित रिएक्शन कर देबे हमको कोन मिलि जिवो ना थैलामाइड मिलि जिवो सी डबल बॉन्ड ओ NH सी डबल बॉन्ड ओ एटा थैलामाइड मिलि जिवो ए थैलामाइड ता पिला माने रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करबो केमते गुटे बेस सहित रिएक्शन कराई छि प्रोटॉन को नि जिवो एटी नेगेटिव चार्ज आसी जिवो ए नेगेटिव चार्ज ता पिला माने
SN2 रिएक्शन करिवो गोटे अल्काइल हैलाइड सहित अल्काइल हैलाइड सहित रिएक्शन करके पिला माने एन अल्काइल थैलामाइड फॉर्मेशन कर दो ए एन अल्काइल थैलामाइड को कोन करबी ना बेस सहित रिएक्शन करबी पिला माने बेस सहित रिएक्शन करले कोन ए बॉन्डटा ब्रेक हि जबो ए बॉन्डटा ब्रेक हि जबो हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन OH एमती ब्रेक कर दिली पिला माने एटी कोन मिलि गला आर एन एच2 गोटे प्रोडक्ट मिलि गला ता सहित सोडियम सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड प्रोडक्ट मिलि जबो दैट मींस ए गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन ना तमन करो प्राइमरी अल्काइल प्राइमरी अमीन रो प्रिपरेशन पाई मध्य यूज हुए जोडी के हमें थैलामाइड को रिएक्शन करू का सहित गुटे अल्काइल हैलाइड सहित का सहित अल्काइल हैलाइड सहित प्योरली SN2 रिएक्शन हुए SN2 रिएक्शन है कि कोन हुए पिला माने तमन करो ए जो नेगेटिव चार्ज ता छे डायरेक्टली अटैक करे ई बैक साइड रो इटू इटकी बाहर कर दी एटा हो जो को रिएक्शन ना SN2 रिएक्शन सिंपल पिला माने जदी प्रोडक्ट लिखिबार अछि तमन को सपोज मु गुटे थैलामाइड दे देली इटी सी डबल बॉन्ड ओ एन सी डबल बॉन्ड ओ एन नेगेटिव के पॉजिटिव मु सपोज या को रिएक्शन कर दो जी पिला माने इथाइल हैलाइड सहित कोन करियो पिला माने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखिवार मेथड को जी हैलोजन को बाहर कर दबो एटी NH2 लगे दबो एटी लागि वाला NH2 बस सिंपल एति की करिवार छी ओनली तुमन को अल्काइल हैलाइड को देखिवार से अल्काइल हैलाइड को हैलोजन को बाहर करके सेटी NH2 लगे दबो तुमन को प्रोडक्ट मिल जबो नेक्स्ट पिला माने तुमन को सामने रिएक्शन छी कार्बिलामाइन रिएक्शन एटा टेस्ट हिसाब रे भी यूज हुए कारण प्राइमरी एमीन रो जेतला प्राइमरी एमीन रिएक्शन करे क्लोरोफॉर्म सहित इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस तुमन को अल्काइल आइसोसियानाइड मिले जोडा की RNC ता सहित KCl ता सहित 3 मोल्स ऑफ H2O मिले सेम केस रे जदी तुमने एनिलीन नबो एनिलीन को पिला माने तुमने का सहित क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस रिएक्शन करिवो तुमन को अल्काइल आइसोसियानाइड मिलबो कोन मिलबो अस बेंजीन आइसोसियानाइड मिलबो ए केस रे अल्काइल आइसोसियानाइड मिलबो दैट मींस अल्काइल अल्काइल एमीन को ये कोथरे कन्वर्ट करबो अल्काइल आइसोसियानाइड रे कन्वर्ट करबो याको कोन कहबा कार्बिलामाइन रिएक्शन बोलकी कहबा नेक्स्ट पिला माने रिएक्शन नंबर 29 और 30 अमन को सामने किसीटा लास्ट रिएक्शन होची जो गुडा इंपोर्टेंट मध्य जोड़ी की फर्स्ट होची विलियमसन सिंथेसिस विलियमसन सिंथेसिस रे पिला माने कोन गुडा अल्काइल हैलाइड को हम रिएक्शन करू का सहित सोडियम अल्कोक्साइड सहित का सहित सोडियम अल्कोक्साइड सहित इटा प्योरली SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म रे जाय SN2 रिएक्शन रे हुए आ कोन हुए पिला माने सिंपल कहू जे तमन को सामने रे सपोज RCH2Br होची RCH2Br अछि ये कोन करबो आर ओ नेगेटिव डाइट SN2 अटैक करबो ब्रोमीन को इटू बाहर कर दबो आ कोन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करबो गोटे इथर फॉर्मेशन कर दबो इथर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दबो बट स्टिल को जे पिला माने गोटे इंपोर्टेंट रिएक्शन आ ई रिएक्शन रे क्वेश्चन पचारबार चांसेस बहुत अछि सपोज पिला माने तमन को लिखु जी दीटा रिएक्टेंट कोन कोन ना गोटे 3 डिग्री अल्काइल अछि सी कार्बन CH3 इडी अछि पिला माने ONA ये रिएक्शन को जे पिला माने का सहित ना गोटे अल्काइल हैलाइड सहित आ गोटे सेम रिएक्शन लिखु जी पिला माने किछटा जस्ट चेंजेस करुची कौन चेंजेस करुची एटी पिला माने मु अल्काइल हैलाइड नहीं गली टर्सियरी अल्काइल हैलाइड गोटे नहीं गली आ याकू रिएक्ट करुची CH3ONA सहित दीटा जगह प्रोडक्ट पिला माने डिफरेंट आसीबो इंपोर्टेंट रिएक्शन मन रखिबो कौन कहू जी पिला माने एटी पिला माने ओ नेगेटिव आसीबो बैक साइड रो अटैक करिवो हैलोजन को बाहर करिवो SN2 रिएक्शन नॉर्मल हो नॉर्मल SN2 जदी रिएक्शन होला CH3 होल 3 कार्बन OCH3 प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जोड़ा कि हमें आगुरु मध्य कहते ये कौन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो इथर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो इथर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट पे ए रिएक्शन केस रे कहि एटा तुम्हारा बिहेव कर एज ए बेस कौन पाई ना गोटे टर्सियरी अल्काइल हैलाइड अच्छी तार रिएक्टिविटी बहुत अधिका आउ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर दबो देन एलिमिनेशन हबो एलिमिनेशन है कि पिला माने कौन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करबो सी डबल बॉन्ड CH2 गोटे एल्किन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करबो बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन दिटा पिला माने एग्जाम रे पढ़ले कंफ्यूज हेई पारो जदी पिला माने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सहित तुम्हें रिएक्शन करुचो ताले एटा पिला माने बिहेव करबो एज ए बेस जदि तुमनगर एटा पिला माने अल्काइल अल्कोक्साइड सोडियम अल्कोक्साइड ता 3 डिग्री अछि ताले नॉर्मल इथर प्रोडक्ट मिलबो एटा होची कोन ना रिएक्शन नंबर 29 विलियमसन सिंथेसिस नेक्स्ट पिला माने मूव करबा रिएक्शन नंबर 30 जोटा की होची कोन बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन ए बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन ता बहुत सिंपल रिएक्शन ता कोन कहूची ना 2 मोल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड नेची सोडियम सियानाइड और पोटासियम सियानाइड सहित रिएक्शन करबो 2 मोल्स जदी रिएक्शन करबो पिला माने एमती गुटे प्रोडक्ट मिलबो ई प्रोडक्ट ता कोन कहबा पिला माने बेंजोइन बोली की कहबा केमती लेखु जे पिला माने प्रोडक्ट ता देखो ध्यान रे एडी गुटे बेंजाल्डिहाइड अछि सी डबल बॉन्ड ओ एच अछि एडी आउ गुटे बेंजाल्डिहाइड अछि 2 मोल्स नेचु सी डबल बॉन्ड ओ एच कौन करिवार छि पिला माने ए कार्बन दिटा को जॉइन करिवार छि गोटे को रिड्यूस कर देवार छि आ गोटे को नॉर्मल रखि देवार छि गोटे को रिड्यूस कर देबो आ गोटे को जदि नॉर्मल रखि देबो ताले हमको प्रोडक्ट एमति देखा जइबो पिला माने केमति देखा जइबो ना गोटे को मु सपोज रिड्यूस करली गोटे को रिड्यूस करली माने कोन देखि जइबो एडी सी ओ एच हि गला नेक्स्ट पिला माने एडी कोन हि जइबो एटा नॉर्मल सेमति रहि जइबो
तो एमती प्रोडक्ट मिले पे तुमको गोटे सी ओ एच ये देखिपारो आ गए सी डबल बंड आशा करुच्छे पे नेम रिएक्शन रो वन शॉट टा तुमको बहुत बेसी हेल्प कर तुमको प्रिपेरेसन जदि पे वीडियो भल लगे वीडियो को निज फ्रेंड मान सहित सेयर कर दियो सहित जो मैंने भी चैनल नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करके रख वीडियो को स्टार्टिंग नहीं कि एंड जाए देखिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।